तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री का ये संबोधन, और संबोधन के बाद सभी का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्साह से लबरेज और हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम करते हुए आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री को। 11वीं बार प्रधानमंत्री ने ध्वजारोहण किया है। लाल किले की प्राचीर से उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी जो राय है वो रखी, चाहे यूसीसी का जिक्र हो या फिर बांग्लादेश का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार पर प्रहार हो, ये तमाम मुद्दे प्रधानमंत्री के संबोधन में आपने सुने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार पर भी करारा प्रहार बोला। इसी के साथ साथ देखिए, क्योंकि पेरिस ओलंपिक्स अभी हुए हैं, प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र करते हुए कहा कि तैयारियां की जा रही हैं कि 2036 के जो ओलंपिक्स हों उनकी मेजबानी भारत द्वारा की जाए। प्रधानमंत्री ने यहाँ से सभी देशवासियों को बधाई दी और कहा कि लंबे संघर्ष के बाद आज का दिन आया है, आज़ादी का सपना साकार हुआ है। इसी के साथ साथ सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन भी किया और आपदा में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और यहाँ से झंडा फहराने के बाद, या यूं कहें कि तिरंगे को शान से लहराने के बाद, अब प्रधानमंत्री लाल किले से निकल रहे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री ने देखिए तमाम मुद्दों पर अपनी राय भी रखी, बांग्लादेश के हालातों पर चिंता व्यक्त की, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने 98 मिनट का भाषण दिया। 98 मिनट का ये प्रधानमंत्री का संबोधन रहा है और पीएम मोदी ने कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। पिछली बार 90 मिनट का देखिए संबोधन था, इस बार एक बार फिर से उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 98 मिनट का संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने सुना। लाल किले से प्रधानमंत्री ने हर मुद्दे पर बातचीत की और जो विजन है देश का वो रखा, चाहे खेल जगत की बात हो और उसमें किस तरह से भारत खुद को तैयार कर रहा है ओलंपिक्स के लिए 2036 में, कोशिश है कि जो मेजबानी हो वो भारत के द्वारा की जाए ओलंपिक्स की। इसी के साथ साथ विदेश नीति की बात हो तो बांग्लादेश के मुद्दे पर भी उन्होंने बताया कि किस तरह से राय बहुत स्पष्ट है और बांग्लादेश को किस तरह से सहयोग किया जाएगा। इसी के साथ साथ यूसीसी को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से कुछ बदलाव जो थे वो बेहद ज़रूरी थे, देश में यूसीसी होना चाहिए, इसकी प्रतिबद्धता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जाहिर की गई। उन्होंने कहा कि यूसीसी पर देश में चर्चा होनी चाहिए, समान नागरिक संहिता में बदलाव जरूरी है।
तो यूसीसी को लेकर भी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सरकार का विजन है वो रखा और कहा कि व्यापक चर्चा यूसीसी पर होनी चाहिए। आपको याद होगा कि यूसीसी का मुद्दा पहले भी देखने को मिला और हालांकि उत्तराखंड में अभी लागू भी हो गया है और आज़ादी के बाद उत्तराखंड वो पहला राज्य है जहां पर यूसीसी लागू हुआ है। राजनीति में परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति होनी चाहिए। परिवारवाद के मुद्दे को सुनकर समझकर ये स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर निशाना साधा है। भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो आज के जो खास मेहमान हैं, चाहे आशा वर्कर हो, ओलंपिक्स के जो खिलाड़ी रहे हैं उन्हें भी एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पर बुलाया गया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी से मिलने वाले हैं, तमाम खास मेहमान, लखपति दीदी, आशा वर्कर्स, ओलंपिक प्लेयर्स, ये तमाम लोग वहां पर पहुंचे हैं जिनसे पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री का ये मानना है कि देश विकसित करने में जिन जिन का अहम योगदान है, राष्ट्र निर्माण में जिनका योगदान है, उनसे मुलाकात और उनका सम्मान बेहद जरूरी है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से मुलाकात करते हुए